registered under the bailable offence 294, 323, 324, 506, 34, and thereafter during the pendency of the investigation 326 has been added, which is attributed to other co-accused, not to the present applicant. My lord, I am a 70-year-old person. I am a retired government servant. What has happened on account of some civil dispute with respect to the property, both two FIRs got registered by the complainant party as well as accused party against each other. My lord, he is Har Gobind. Now, your lordship, background facts of the case is that, my lord, आप इनपुट ऑर्डर पे आइए, क्या लिखा देखें। यस लास्ट पैरा मिलो पेज 10 केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक के विरुद्ध धारा 100 का आरोप है और घटना आरोपी द्वारा अन्य से आरोपी के साथ मिलकर घटना कारित किए और प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से आरोपी पर प्रथम दृष्टया अपराध कारित करते हुए घटना में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना बताया गया है। उसके द्वारा धारदार हथियार फरसा से जहार सिंह को सिर पर फरसा मारना बताया है और आरोपी हर गोविंद को केस डायरी में फरार बताया है। आहत मिथुन की सिटी स्कैन में उसके सिर में बाएं और फ्रैक्चर होना बताया गया है तथा उसके जमानत पर छूटने पर साक्षियों को डराने धमकाने की अभियोजन ने शंका जाहिर की। अकॉर्डिंगली द बेल वॉज रिजेक्टेड। So far as that Mithun is concerned, my lord, जिसके basis पे 326 add हुआ है, the injury upon the head of the Mithun was not attributed to the present applicant. My lord, the case arises. नहीं तो he was holding farsa this Hargobind. There is no injury upon the हाथ में Hargobind के हाथ में farsa आया नहीं था। My lord, complainant खुद कह रहा है कि हमने rivalry के कारण इनका नाम लिखा दिया था। ये मौके पे नहीं थे my lord। वो क्यों कह रहा है? My lord, compromise has been arrived at between the parties. मैंने affidavit file किया lord। तो वो कहाँ है? Compromise वाला affidavit कौन सा है? Page number 5, 301 का application है इनका, my lord। और से additional document है। अच्छा additional document। इसमें क्या है? Page number 5 पे मैंने affidavit file किया lord। क्या? और से ये घटना स्थल पे नहीं थे और हड़बड़ाहट में मैंने इनका नाम लिखा दिया। आप कौन है? फरियादी उधम सिंह। अड़बड़ाड़ में लिखा दिया नाम। ठीक है, ऐसा है। एज पर एफआईआर एलिगेशन के कि इन्होंने हरगोविंद ने भी जहार सिंह के सिर में फरसा मारा, दैट हैज बीन मेडिकली कॉरोबोरेटेड इन द एमएलसी ऑफ जहार सिंह। और जहार सिंह को सिंपल इंजरी, जहार सिंह के सिर में लेसरेटेड वुंड 2, लेसरेटेड वुंड 2, दो बूंदे। कितना कितना उसकी गहराई वगैरह होती है क्या? केवल कटाई हुआ घाव है क्या? होती है मतलब सिंपल और ग्रीवियस दो इंजरी होती है। सिंपल है, सिंपल है। पढ़ के बताइए। नेचर उन्होंने लिखा है, नेचर वुड बी गिवन आफ्टर एक्सरे रिपोर्ट। एक्सरे रिपोर्ट लगी है और उसमें क्या है? उसमें इंजर वो फ्रैक्चर नहीं आया। फ्रैक्चर नहीं आया, फ्रैक्चर नहीं आया, फ्रैक्चर नहीं। फ्रैक्चर इसको जो है किससे मार, किसको मारना बताया इसके द्वारा? जहार सिंह को। जहार सिंह को उसको सिंपल इंजरी है। मिथुन को फ्रैक्चर है जिसको एट्रीब्यूट किया है को एक्यूज्ड ने। अच्छा, यस। एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग। ये बता रहे हैं 70 साल का है सर, बता रहे हैं फरवरी राजीनामा साथ में करे हुए हैं। मुझे लगा ये आपत्ति करता है। राजीनामा तो पार्ट टू होगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन मुझे लगा ये आपत्ति करने के लिए खड़े हुए हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों एफआईआर में हो गया राजीनामा। हमने इनके खिलाफ भी की थी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। हम ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के, हमारे फेवर में जजमेंट एंड डिक्री है कोर्ट का और दे वर ट्राइंग टू टेक द क्रॉप मतलब ऑन द सेम डे। मैडम वो सेकंड फर्स्ट पैरा तो वो डाल लीजिएगा, पहले बताया था ना, सेकंड पैरा में लिख दीजिए, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट दैट ही हैज फॉल्सली बीन इम्प्लिकेटेड इन द ऑफेंस एंड ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। ही फर्दर सबमिट दैट नो बोनी इंजरी हैज बीन कॉज्ड has been caused by the applicant to the Jahar Singh, to Jahar Singh. Let's talk the counsel appearing on behalf of the complainant Udham Singh. Udham also does not dispute this fact and he has no objection in granting bail to the applicant. ऐसे करके फिर बात का कर दीजिए।
दे दीजिए, ग्रांट कर दे। ये 482 है, इसको आफ्टर वेकेशन मतलब ये 482 में क्या है? ये बिकॉज ऑफ बेल ये लग गई है, क्वेश्चन एफआईआर, एफआईआर के सेम एफआईआर है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है, तो इसमें तो इसमें भी के सभी सभी लोगों को ने राजीनामा कर लिया है, इसमें तो आफ्टर वेकेशन नहीं, नहीं ना एज पीरियड लिस्ट आफ्टर वेकेशन, सीरियल नंबर समर वेकेशन।